राम राम भाई जा रहे हैं। आज हमारा भाड़ का दिन और मैं अभी शाम को निकला हूँ, सुबह से निकला है। ये लोग कैसा है, गाड़ी देखने के बाद भी आगे आ रहे हैं, कैसा आदमी है। तभी मैं शाम को निकला हूँ, सुबह से तबियत खराब सा लग रहा था, निकला नहीं तो जा रहा हूँ दोस्तों के पास। और एक बात, मैं ये वीडियो सब इंस्टाग्राम पर भी रील्स पर भी अपलोड करता हूँ, तो आप लोग बस वहीं पर देखते हैं, यूट्यूब में आते ही नहीं है देखने के लिए। तो कृपया करके जो जो रील्स देखते हैं वो मेरे इंस्टाग्राम में जो रील्स छोड़ता हूँ उसमें नीचे मेरा इंस्टाग्राम का वो आईडी दिया हुआ है, आप सॉरी इंस्टाग्राम पे तो छोड़ता हूँ, मतलब यूट्यूब का आईडी भी दिया हुआ है, वहाँ पे आके कृपया करके देख लीजिएगा। क्योंकि नहीं तो बस इंस्टाग्राम पे व्यू रह जाता है, यूट्यूब तक आता ही नहीं है। तो कृपया करके YouTube में भी थोड़ा देख लीजिए। और मेरा गाड़ी रुक गया। हाँ तो दोस्तों मैं बता रहा था कि मतलब Instagram पे आप लोग देखते हो बस, YouTube तक पहुँचते ही नहीं हो, Instagram का देख के आप लोग छोड़ देते हो। इसलिए मैं बता रहा था कि बस नीचे मेरे Instagram के नीचे मतलब नीचे जो क्या बोलते हैं कैप्शन वगैरह पाया जो भी हो पाया उसमें मेरा YouTube का लिंक है, उसमें आप लोग YouTube में आके थोड़ा सा देखे ताकि उसमें भी व्यूज आए। तो ठीक है दोस्तों, अभी जा जाऊँ दोस्त के पास, फिर आपसे मिलता हूँ। तो अभी दोस्तों मैं दोस्त के साथ निकला, अभी निकल के अभी जा रहा हूँ थोड़ा बेकरी शॉप पे, वहाँ से लेना है बिस्किट, क्योंकि कल पापा चले जाएंगे, पापा का छुट्टी खत्म होता है तभी उनको बेकरी वाला बिस्किट बहुत अच्छा लगता है। तो ये है दुकान बंद हो गए, अब क्या करे। हाँ बंद है, ठीक है दोस्तों, और एक दुकान है उसमें ढूंढते हैं अभी। ये रहा दोस्तों, अभी हम लोग आ गए यहाँ पे बेकरी वाले शॉप पे, अभी देखते हैं बिस्किट मिलता है। काकू चार कोनाटा बोर्डा से ना एक दाओ तो बोर्डा चार कोना स्क्वायरटा ओ जो छोटो गुला से ना जेटा एटर बॉल साइजटा एटर बॉल साइजटा से बोला से। अच्छा ठीक है, जिज्ञेस को नहीं चाहिए। अरे रुको दोस्तों, जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, मम्मी से पूछ लूँ वो लूँ कि ना लूँ। तो दोस्तों अभी मैं मम्मी को फ़ोन किया, उठाने दी मम्मी, ये छोटा वाला ले रहा हूँ, ये स्क्वायर वाला दो ठो ले लेता हूँ। ठीक है, कैरी बैग लेते हैं, यहाँ से निकलते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों बिस्किट का पैकेट था 18 रुपये करके, तो मैं हिसाब कर दिया 18 18 32 36 होता है, मैं हिसाब गड़बड़ा हो गया था, हमें सर 32 होता है तो 2 रुपये खुला दे दिया, तो हमको अंकल ने रिटर्न दिया 6 रुपये। तो मेरा हिसाब गड़बड़ा गया जी, कितना होगा अभी हिसाब करता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए वहाँ से डायरेक्ट हिसाब करके सागर डिगी 18 2 32 कर दिया मैं, 16 2 32 नहीं, मैं 18 2 32 कर दिया। तो मैं सोचा 32 रुपये, तो 40 रुपये दिया और 2 रुपये एक्स्ट्रा दिया ताकि मुझे 10 रुपये रिटर्न मिले, मतलब मुझे लग रहा था 32 रुपये होगा, है यहाँ हो गया 36 रुपये। जब मुझे दिया 6 रुपये मेरा माथा खराब, ये 10 रुपये 4 रुपये कहाँ गया मेरा, क्या वो भी सोच रहा है साले, वो भी उसका दिमाग खराब हो गया होगा, साले हो रहा है तेरा 36 रुपये, ये 2 रुपये दे रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अभी जाते थोड़ा इधर थोड़ा राउंड लगाते चाय वाय पीते हैं। और ये हमारा कुछ बिहार का कौन सा ऑफिस है भूल गया हमें, ये बोला ये डिजाइन कर लो, ये ऑफिस कौन सा है ये पता पहले फिर डिजाइन बताते, ऑफिस कौन सा था ये SP ऑफिस है ये भूल गया था जो भी हो। अभी हम लोग यहाँ पे चाय पियेंगे तो मिलते हैं यहाँ पे अंदर जाके। तो दोस्तों अभी हम लोग आए थे यहाँ पे चाय पीने, ये भैया ने दुकान बंद कर लिया, हम लोग बहुत लेट हो गए, तो अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे अभी थोड़ा राउंड लगा के घर की तरफ और देखते हैं कुछ होता है तो दिखाएंगे आपको। तो ये रहा हम सागर डी का राउंड लगा रहे हैं, ये देखो आई लव SBI और ये देखो चांद लाल लाल सा दूर है था। ओहो बाय बोल के बाहर क्या कर रही हो तुम, ये हमारा महादेव का मंदिर है। तो
ये आधा क्यों दिख रहा है, ये आधा क्यों दिख रहा है ऐसे, क्या बढ़िया लग रहा है, बस अजीब सा लग रहा है ना, देख ये बिछाया है जो जैसे थोड़ा उठा उठा सा होता तब दिखने में अच्छा होता। पार्किंग होगी कर पाएगा, पागल है, दोनों तरफ से करेगा तो वो नहीं बोला मतलब ये देखो लेकिन ये उड़ जाता है रे, उड़ जाता है कोई बात ही उड़ जाएगा। ये देखो यहाँ का जैसे ये सही किया है इधर का, ये वाला इधर बिछा देता तब अच्छा होता, लेकिन ये सब भी उड़ जाता है, क्या करे ए, पहले जैसा कर दो मिट्टी का पूरा घास उगा दो, चप्पल खोल के चलेगा सब। लाइटिंग बढ़िया किया है, लेकिन लाइटिंग तो इतना खर्चा किया है तो रास्ते पे ईटा क्यों लग रहा है, हाँ रास्ते पे क्यों ईटा लग रहा है, रास्ता जहाँ जहाँ गड्ढा हो रहा है ईटा डाल के प्लास्टर कर दे रहा है, क्या बोले पता नहीं ये लोग क्या करना चाह रहे हैं पता नहीं। अभी जाते थोड़ा घूमते हैं, क्या ही घूमेंगे, पूरा सब बंद हो जा रहा है, ठीक है अभी आगे मिलते हैं। और तो दोस्तों मैं आया था अभी यहाँ पे, एक दोस्त का इनवाइट है यहाँ पे, पता नहीं क्या सा ये बेनिफिश है, ये भवन समझ लो एक तो हॉल जैसा है शादी का, तो ये रहा शादी का सब गाड़ी वगैरह है। तो हम लोग आए थे एक दोस्त से मिलने, वो आती अपने काम पे लग गया, खाने बैठ गया वो, तो अभी मिल नहीं पाएंगे क्योंकि मेरा लेट हो चुका है, अभी मुझे घर जाना है, तो फिर ठीक है अभी जाता हूँ मैं, दोस्त से मिलना हुआ नहीं, कल मिलेंगे उससे, अभी मैं घर की तरफ निकलता हूँ जिस दोस्त को छोड़ के, फिर मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों अभी मैं वहाँ से आ गया, दोस्तों मिला नहीं अभी, दोस्त को हमारे दोस्त को घर छोड़ के मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, और मैंने अभी ले लिया ये मच्छर मारने वाला अगरबत्ती, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। तो ठीक है दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक, ऐसे ही बनी रहेगा, कल वापस आएंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम सबको। और यहाँ पे ये कौन सा ये बंगलो है पता नहीं कौन सा ऑफिस है, थोड़ा पता नहीं इनके यहाँ पे कुछ है फंक्शन वगैरह, चले जाना आगे सारे, यहाँ पे फंक्शन वगैरह है कुछ, बहुत ज़्यादा भीड़ है पता नहीं कुछ तो था। तो ठीक है दोस्तों तब आज का ब्लॉग यहीं तक, कल वापस आएंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम सबको और गुड नाइट।